कर्नाटक के रायचूर में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा एसी कमरे में बैठकर त्रिशंकु विधानसभा की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता का अपमान किया, इतिहास को तोड़ना मरोड़ना कांग्रेस की आदत। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में पीएम का कांग्रेस पर हमला, कहा वोट बैंक के खातिर कांग्रेस ने कर्नाटक के लोगों को बांटा। पीएम के टीपू सुल्तान के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, कहा जिसकी जयंती मनानी चाहिए उसकी जयंती नहीं मनाती कांग्रेस। पीएम ने दलित मुद्दे पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस ने सभी दलितों की बात नहीं सुनी। कर्नाटक के बेलगावी में अमित शाह पर राहुल गांधी पर हमला, कहा भगोड़े लोग चुनाव जीता नहीं करते। अमित शाह ने सीएम सिद्धरमैया पर भी निशाना साधा, कहा चुनाव क्षेत्र बदलने से कर्नाटक में नहीं मिलेगी जीत। जयंती पर अमित शाह का तंज, कहा कर्नाटक में हुए महापुरुष लेकिन कांग्रेस सिर्फ टीपू सुल्तान की जयंती मनाती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कर्नाटक में रोड शो करेंगे, देवी येलिमा के भी दर्शन करेंगे। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का अमित शाह पर हमला, कहा झूठ के चाणक्य अमित शाह। कर्नाटक चुनाव पर बोले सीएम सिद्धरमैया, कहा त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, कांग्रेस बनाम बीजेपी चुनाव होना है। बेंगलुरु में राजनाथ सिंह का रोड शो, कहा कर्नाटक में येदियुरप्पा की अगुवाई में बीजेपी जीतेगी। कर्नाटक में कांग्रेस के चुनाव प्रचार में उतरेगी यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, 8 मई हो सकती रैली। कर्नाटक चुनाव में बीएस येदियुरप्पा का विवादित बयान, न बेलगावी के चुनावी रैली में कहा वोटिंग के लिए न निकलने वालों का हाथ पैर बांधकर डलवाओ। कर्नाटक में चुनाव से पहले अब तक 120 करोड़ रुपए कैश और सोना जब्त, चुनाव आयोग की छापामार टीमों ने की कार्रवाई।